अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कैरेमल कस्टर्ड ट्राइफल। तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले बटर 2 टेबल स्पून, अब हम फ्लेम को टर्न ऑन करेंगे। और मटर को मेल्ट करना शुरू करेंगे। मैंने घर का बना हुआ मक्खन लिया है, आप लोग बेकरी का मक्खन भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, इट्स अप टू योर चॉइस। सबसे पहले हम चीनी को कैरमलाइज करेंगे। ये 1 कप चीनी है, आप लोग अपनी क्वांटिटी के लिहाज से चीनी को एडजस्ट कर सकते हैं। स्लो हीट पे आप लोग चीनी को कैरमलाइज करना शुरू कर दें। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे शुगर को मेल्ट करने के लिए। अब आप इसको स्लो हीट के ऊपर कैरमलाइज करते रहें। जब इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो चीनी जो है वो कैरमलाइज हो जाएगी। कैरमलाइज होना शुरू होगी, भी इसका कलर जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है। इसको थोड़ा सा और डार्क ब्राउन करेंगे। ये हमारी चीनी कैरमलाइज हो चुकी है, अब हम लोग इसमें दूध डालेंगे। फ्लेम को ऑफ करते हैं दूध डालते वक्त। मैंने ये वाले 4 कप्स लिए हैं, 4.5, आप लोग अपनी क्वांटिटी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो कैरेमल है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जब इसमें कैरेमल मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। दूध कैरमलाइज हो गया, इसमें हम 4 to 5 कार्डमम्स डालेंगे, छोटी इलायची। दूध को उबाल आना शुरू हो गया, अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक। लोग इस कैरमलाइज मिल्क में कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। हमारा कैरेमल कस्टर्ड रेडी हो गया है, अब हम लोगों ने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। जब फ्लेम ऑफ कर देंगे तो हम इसमें 1 पैकेट जो है वो क्रीम डालेंगे। कोई भी क्रीम है आप लोग बाज़ार से ले सकते हैं।
आने देंगे। अब हम इसको कॉन्टिन्यूसली रूम टेम्परेचर पे हिलाते रहेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे, तो तब हम इसकी सैम्पलिंग करेंगे। क्रीम ऐड करने के बाद हम इसको रूम टेम्परेचर के पे ठंडा करेंगे, और फिर जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूसली आपने इसमें जो है वो स्पून को हिलाते रहना। अब हम लोग जो केक है इसके लेयर लगाएंगे। और इसको मॉइस्ट करेंगे। मैंने कॉकटेल टिन का पानी यूज़ किया है, आप उससे भी इसको मॉइस्ट कर सकते हैं और दूध के साथ भी, इट्स अप टू योर चॉइस। अब हम इसमें बनाना ऐड करेंगे। बनाना ऐड करने के बाद ये कॉकटेल, उसके बाद ये क्रश्ड ओरियो कुकीज़ हैं, ये डालेंगे। और कस्टर्ड डालेंगे। इसी तरीके से हम दूसरा लेयर बना लेंगे। सेकेंड लेयर लगाने के बाद ऊपर से आप लोग ओरियो कुकीज़ को डाल दें। इस तरह ये आपका कैरमल ट्राइफल रेडी हो जाएगा। इसको रेफ्रिजरेट करें और खाएं।